हेलो नमस्कार अदा आप सश्रिया काल टू यू ऑल और मैं अभिनेत्री स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हमारे इस नए इनिशिएटिव में और सो फार वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर वन एंड चैप्टर नंबर टू सक्सेसफुली एंड आई होप कि आपने साथ साथ जो है एन को भी रेफ़र किया होगा ठीक है सो so, आज हम पहुँचे हैं हमारे चैप्टर नंबर थ्री पर जिसमें हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में ठीक है तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ये चैप्टर हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इसमें जो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि इस चैप्टर का पूरे का ओवरव्यू ले, ले लेते हैं कि इस चैप्टर में एक्चुअल में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं तो सबसे पहले तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा इस चैप्टर के बारे में है ना तो वो इंट्रोडक्शन इस तरह से स्टार्ट करते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन अगेन रिप्रोडक्शन फिर से वही बातें कि तीन इवेंट्स इसके अंदर होते हैं पहला है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जिसमें हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस के बारे में और गैमेट के फिर वो गैमेटोजेनेसिस जब हो जाएगा यानी कि गैमेट जब फॉर्मेशन हो जाएंगे तो उनके ट्रांसफर के बारे में तो गैमेट ट्रांसफर के बारे में फिर जो है मेन जो इवेंट है दैट इज़ फर्टिलाइजेशन यानी कि सिंगमी ठीक है ना उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे बड़े डिटेल से एंड जो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो उसके बाद फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में हम बात करेंगे ठीक है ना और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में हम प्लांट्स में तो दो चीज़ें वहाँ पर कर रहे थे एक एंडोस्पोर फॉर्मेशन की और एक एम्ब्रियो फॉर्मेशन की यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो एम्ब्रियो फॉर्मेशन की ही बात करेंगे ठीक है ना और जैसे वहाँ पर एंडोस्पोर फॉर्मेशन की बात इसलिए की थी क्योंकि एंडोस्पोर वहाँ पर नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है डेवलपिंग एम्ब्रियो को इसी तरह से यहाँ पर जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को जो नरिशमेंट मिलेगा वो मदर की बॉडी से मिलेगा और वो प्लेसेंटा की वजह से मिलेगा प्लेसेंटा वो डेवलप होता है टू नरिश द डेवलपिंग एम्ब्रियो ठीक है तो इस चैप्टर में सबसे पहले गैमेट एंड इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवा ओवम या एग ठीक है इन केस ऑफ फीमेल ओके दैट इज फीमेल गैमेट आफ्टर दैट इनसे ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू द फीमेल रिपोर्डक्टिव ट्रैक्ट ठीक है एंड देन देर इज देर अकर्स द प्रोसेस ऑफ मेन प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन सो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट दैट रिजल्ट जायगोट ओके सो दिस इज फर्टिलाइजेशन आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट दिस क्लीवेज क्लीवेज सिंपली मीन्स डिवीजन ठीक है डिवीजन सो डिवीजन ऑफ जायगोट इज अबाउट क्लीवेज इसके ऊपर बड़े डिटेल से एक एक चीज बड़े डिटेल से बात करेंगे ठीक है देन आफ्टर दैट इम्प्लांटेशन इम्प्लांटेशन का मतलब होता है एम्बेडिंग और अटैचमेंट ऑफ द डेवलपिंग Uh, या जो ब्लास्टूला एक्चुअली में हम उसे बोलेंगे ब्लास्टूला का जो एंडोमेट्रियम में जो अटैचमेंट हो जाता है जो एम्बेडमेंट हो जाता है उसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन एंड फिर स्टार्ट हो जाता है प्लेसेंटेशन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू प्लेसेंटा ओके टूनर इज द डेवलपिंग एम्ब्रियो आफ्टर दैट गैस्ट्रोलेशन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ जो है गेस्ट्रोला दैट इज थ्री जर्म लेडम एक्टोडम एंडोडम ये सब चीजें बनेंगी एंड देन फाइनली जो ये तीनों जर्म लेयर बनेंगी एंडोडम मीजोडम एंड एक्टोडम ये तीनों का फेट क्या होगा ये तीनों अलग अलग ऑर्गन्स को डेवलप करेंगी दैट इज ऑर्गेनोजेनेसिस एंड फाइनली जब एक डेवलप जो हो जाएगा पूरी तरह से जो है एम्ब्रियो ठीक है ना उसकी ऑर्गन्स वगैरह डेवलप हो जाएंगी तो उसका एक्सपेल हो जाएगा बॉडी से ठीक है ना और इस प्रोसेस को विल कॉल इट पार्चूरेशन तो ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे ठीक है ना डिटेल में बहुत बढ़िया तरीके से उससे पहले एक और टर्म यहाँ पर आएगी जेस्टेशन पीरियड जेस्टेशन का पीरियड का मतलब होता है फ़र्टिलाइजेशन से लेकर और पार्चूरेशन तक का टाइम उससे हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड और ये ह्यूमन्स में अगर हम बात करें तो ये होता है टू एटी डेज या नाइन मंथ्स का ठीक है केस ऑफ ह्यूमन फीमेल ठीक है तो ये यह बात यहाँ से क्लियर हो गई है तो स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बात करेंगे क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस को समझने के लिए यानी कि मेल गैमेट स्पर्म का फॉर्मेशन समझने के लिए पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानना होगा तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबसे पहले कहां पर होता है हमारी बॉडी में दैट इज इन पेल्विस रीजन यानी कि जो हिप रीजन है वहां पर ये होता है ठीक है जी पेल्विस रीजन में जहां पर पेल्विक बोन है ठीक है ओके okay. पहला जो पार्ट इसका है वो है टेस्टीज देखिए टी ई एस टी एस जो है ये जो स्पेलिंग है ये है प्लुरल फॉर्म के लिए लेकिन जब आपको सिंगुलर लिखना हो तो आप लिखेंगे टी ई एस टी आई एस ये आप चीज़ याद रखिए और इससे कंफ्यूज नहीं बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कई बुक्स में आपको ये मिलेगी वो एक्चुअल में इस सेंस में कि ये सिंगुलर है वो प्लूरल है ठीक है? है।, है? है और ये क्या है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ये क्या है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और ये क्या रोल है क्या सिग्निफिकेंस इसका गैमेट फॉर्मेशन एंड हॉर्मोन्स का फॉर्मेशन जो हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को मेनटेन करेंगे दैट इज टेस्टेस्टर इन केस ऑफ मेल्स और अभी, अभी हम फिलहाल मेल्स की बात करेंगे ठीक है देन कुछ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जैसे एपेडाडिमिस समाइनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड पोपर्स ग्लैंड इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे आफ्टर दैट को पाइप्स है ना कुछ पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स के जैसे वाशर डिफरेंस एंड यूरिनोजेटल डेड फाइनली एक्सटर्नल जेनेटेरिया दैट इज पेनिस इन केस ऑफ मेल्स तो इन चार चीजों के बारे में हम बड़ी डिटेल में बात करेंगे विद डायग्राम मैं आपको समझाऊंगा आगे बढ़ते हैं टेस्टीज की बात स्टार्ट करते हैं तो टेस्टीज जो है वो स्मॉल ओवल और चार से पाँच सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है पेयर्ड स्ट्रक्चर है बिल्कुल इसलिए प्लूरल और सिंगुलर का कंसेप्ट आया है कहां पर प्रेजेंट होते हैं मैंने आपको बताया ये स्क्रोटम नाम का एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारी बॉडी से बाहर हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं एंड ये प्रेजेंट होते हैं एक्स्ट्रा एबडोमिनली जो ये प्रेजेंट होने का जो कारण यानी कि बॉडी से बाहर जो ये प्रेजेंट होते हैं ना इनका रीजन है फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस ताकि ये स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को अंजाम दे सके है, ठीक है क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ना वो हमारी बॉडी टेम्परेचर से यानी कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है ना उससे दो डिग्री बिलो जो है टेम्परेचर उसको चाहिए होता है फॉर स्पोरमेटोजेनेसिस के प्रोसेस को ठीक है तो इस वजह से ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनली होते हैं टेम्परेचर फिर किस तरह से मेंटेन होता है टू डिग्री जो बिलो है कैसे मेंटेन होता है डेटोस मसल्स होती हैं डेटोस मसल ठीक है तो ये जो मसल्स हैं ये इस टेम्परेचर को मेंटेन करने में क्या करती हैं सहायक सिद्ध होती हैं ठीक है ना स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के लिए ठीक है तो ये बात होगी तो क्वेश्चन आएगा नीट में तो आप बता सकते हैं क्यों होती है एक्स्ट्रा एबोमल ठीक है पाउच लाइक स्ट्रक्चर का क्या नाम है ठीक है और मसल्स कौन सी हैं तो सब आप बता सकते हैं अब ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है ठीक है ना ये देखिए तो ये जो भार वाली जो मेमब्रेन है यहाँ पर ये तो आपकी स्क्रोटम की मेमब्रेन है ये तो क्या है आपकी स्क्रोटम की मेमब्रेन है ठीक है जी बात समझ में आ गई यहाँ पर ये तो होगी स्क्रोटम की ये जो अंदर जो स्ट्रक्चर है ना ओवल ये है टेस्टीज और टेस्टीज के बाहर होती है दो मैमब्रेन जो सबसे बाहर वाली होती है वो होती है ट्यूनिका वेजाइनलिस इसके बारे में आगे बहुत अच्छे से बना रखा है यहाँ पर ये यह थोड़ा सा अच्छा सा नहीं है कोई बात नहीं बिकॉज एक्चुअली इट इज रिटर्न विद अ पेंसिल तो पेंसिल की वजह से थोड़ा ब्लर हो गया है यहाँ पर ठीक है और इससे जो अंदर वाली मेमरी है ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया और टेस्टीज के बीच में और स्क्रोटल मेम्रेन के बीच में जो ये सिलोम है जो कैविटी है ये है वेजाइनल सिलोम ठीक है ना और ये फिल्ड होता है हाइड्रोसिल्स से एंड यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट अ कंडीशन दैट इज हाइड्रोसिलस ना बोलते कि पानी भर गया तो वो हाइड्रोसिलिस एक्चुअल में क्या है वो हाइड्रोसिलिस ये है कि इन दोनों के बीच में यहां पर जो है पाउचलेक् स्ट्रक्चर जो ही स्लोम है यहाँ पर ये कुछ रप्चर हो जाता है और जिस कारण से ये कुछ प्रॉब्लम होती है ठीक है ना तो ये एक नॉर्मल सर्जरी के द्वारा यहाँ पर ये ठीक कर दिया जाता है ठीक है अच्छा टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम की मेम्ब्रेन से ग्यूबर नैक्यूलम जो है इससे जो है अटैच होती है यानी कि ये टेस्टिस को फिक्स करके रखता है स्क्रोटम ठीक है ये बीच में दोनों के बीच में स्क्रोटल सेप्टम होती है और ये वाला जो कैनाल है ये वाला जो रास्ता एक तरह का वो इनग्यूनल कैनाल कहलाता है ठीक है तो यहाँ पर हमने बात कर ली इसको और थोड़ा डिटेल में समझने के लिए आप मैं आपको जो है यहाँ पर और अच्छे से बता देता हूँ अभी ठीक है अब जो ये आपको बात समझ में आ गई होगी ठीक है ना कि स्क्रोटम में किस तरह से टेस्टिस फिक्स हैं ठीक है तो पूछ लिए जाए ग्यूबर न्यूकुलम क्या है या फिर हाइड्रोसिल क्या है या फिर ये कहाँ होता है या बाहर वाली मेम्ब्रेन क्या है अंदर वाली मेम्ब्रेन क्या है तो नाउ यू कैन टेल है ना <coughs> नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टी एस ऑफ टेस्टीज अब हम टेस्टीज के ट्रांसफर सेक्शन की बात करते हैं ठीक है ना जब हम टी टी एस एम सॉरी ये टी एस का टेस्टीज टी टेस्टी एस का जो है लॉन्गिट्यूड सेक्शन है एल एस है ठीक है तो टेस्टीज को जब आप जो है उसका एल एस लेंगे तो यू विल फाइंड दर आर टू फिफ्टी कंपार्टमेंट दो सौ पचास कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होती है एक टेस्टीज एक टेस्टीज जो है वो टू फिफ्टी कंपार्टमेंट्स में ये देखिए एक कंपार्टमेंट दूसरा कंपार्टमेंट तीसरा चौथा इस तरह से ठीक है तो ये जो कंपार्टमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स ये जो कंपार्टमेंट्स है ना इनको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल यहां देखिए ट्यूनिका वेजाइनलिस बाहर वाली मेम्ब्रेन और ट्यूनिका एलब्यूजीनिया अंदर वाली मेम्ब्रेन जो फाइब्रस ठीक है ठीके? और इसी ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया से जो है इसी का जो एक्सटेंशन हो जाता है यही इनफोल्ड हो जाती है अंदर आकर और इसी की वजह से क्या बन जाती है टेस्टिकुलर सेप्टम और इसी टेस्टिकुलर सेप्टम के कारण जो है ये कंपार्टमेंट्स बन गए हैं तो लगभग दो से तीन सेप्टम है और ऑब्वियसली मैंने आपको कंपार्टमेंट भी कुछ इतने ही बताए हैं ठीक है थीके? तो ये टेस्टिकुलर लोब्युल कंपार्टमेंट्स है

लोब्यूल्स हैं ठीक है तो 250 फिफ्टी लोब्यूल्स हैं ऐसे यानी तो कंपार्टमेंट्स हैं और उनमें एक में एक से तीन है यानी कि लगभग 900 के आसपास 800 से 900 जो आपके ट्यूब्यूल हो गए बात समझ में आ रही है अब देखिए ये एक सेमिनिफेर ट्यूब्यूल है देखिए यहां पर ये मिला ये मिल गए ठीक है इसका डक्ट मिल गया यहां पर देखिए इसका जो है ये ट्यूब्यूल ये इसका स्ट्रेट ट्यूब्यूल ठीक है ये कोल्ड और ये स्ट्रेट ट्यूब्यूल है ये मिल गया, यहां पर मिल गया गया पर अब देखिए इसने इन्होंने सब ने मिलकर एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लिया और इसी नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं रेटी टेस्टीज क्या बोलते हैं रेटी टेस्टिस तो स्ट्रेट ट्यूब्यूल मैंने आपको बताया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मैंने आपको बताया ट्यूनिका वेजाइनलिस बता बना दिया ट्यूनी का एलबूजीनिया बता दी यहां तक की बात हो गई है अब टेस्टिस जो है ये भी एक जो है डक्ट पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो है इनसे ओरिजिनेट होता है जिसे हम बोलते हैं इफेरेंट डूल्स या इफेरेंट डक्ट ठीक है ना वासा एफरेंशिया भी बोल देते हैं ठीक है ये वासा एफरेंशिया दे ओपन इन टू स्ट्रक्चर डेट इज एपिडाइडमिस और ये एपिडाइडमिस का क्या है हेड है ठीक है ना ये इसकी यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है ये इसकी बॉडी है एंड फाइनली ये इसकी टेल है एंड देन आफ्टर दैट एपीडाइडमिस जो है दैट

जो पिक्चर वाला है और यहां से आपके हैंडमेड से जो आप अपने नोटबुक में इजीली बना सकते हैं उसमें आपको बनाने में तकलीफ होती थोड़ी ठीक तो है ये। सेमनी वासा रेटी वासा वासा वही सारी चीजें मैंने आपको बताई है एक चीज जो नहीं बताई है वो मैं अब बताने वाला हूँ वो क्या है वो यहाँ देखिए अब मैं सेक्शन फिर से टेस्टीज का ले रहा हूँ

यहाँ देखिए यहाँ जो इसके इनर सेल हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के जो इनर सेल्स से, हैं उनमें दो तरह के सेल्स से आप देख पा रहे होंगे एक तो क्यूबोडल सेल्स से हैं जो आप ये आपने सब पढ़े होंगे इलेवंथ क्लास में क्यूबोडल सेल क्या होते हैं कोलोमनर सेल क्या होते हैं ठीक है सूडोस्टेटिफाइड वो सब टिश्यूज में आपने पढ़े होंगे सारी चीज़ें ठीक है और अगर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं इलेवंथ क्लास के लेक्चर में आप अच्छे से दोबारा पढ़ लेना कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो ये जो कुबोडल सेल है जर्म सेल्स हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स को ठीक है दूसरे जो ट्राइंगुलर सेल्स कोनिकल जो सेल्स है ये है सर्टोली सेल और ये सर्टोली सेल नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं इन जर्म सेल्स को बात समझ में आ गई दूसरे तरह के यहाँ पर सेल्स और होते हैं ये जो पूरा है ना ये लोब्यूल इसमें जो टिश्यू है ना ये इंटरस्टेशल कनेक्टिव टिश्यू है ये रहा ठीक है मतलब ये पूरा जो है दो सेप्टम्स के बीच में ये पूरा टेस्टिकुलर लोब्यूल है जो कंपार्टमेंट है ठीक है और इनके बीच में जो ये फ्लूड भरा हुआ है ना ये इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू है ओके okay, एक तरह के और सेल है यहाँ पर, लेडिक सेल्स और ये लेडिक प्रोड्यूस करते हैं तो क्या बताया था अभी अभी? यही तो बताया था कि तो हमारा हॉर्मोन तो दोनों फंक्शन यहाँ पर हो गए पूरे ठीक है ओके okay, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि टेस्टीज से जो आ, ये निकलती है वासेफ्रिया निकलती है इट लीड्स इंटू इट्स ओपन इंटू एक कोल्ड स्ट्रक्चर है ये भी हेड है इसका बॉडी है और ये इसकी टेल है और साथ में ये इनके नाम है कॉर्पस एंड कोडा देखिए कोडल जब वर्ड आ जाए ना तो कोडल वर्ड या कोडा वर्ड आ जाए तो आप समझिए ना टेल की बात कर रही है कहीं ना कहीं और सिफेलिक जब वर्ड आ जाए ना तो आप समझ लीजिए हेड रीजन की बात हो रही है ठीक है क्या फंक्शन है एपेडाइडमिस का पहला जो फंक्शन है कि ये लगभग एक दिन के लिए स्पर्म को स्टोर करके रखता है अपने अंदर ठीक है और साथ में जो है ना उनको भी मेच्योरिटी पर मिलती है इसी एपेडाइडिस रीजन में मिलती है ठीक है और ये एपेडाइडमिस जो है ये कौन से रीजन में फिर खुलता है यहां से निकलेगा ये वासा डिफरेंशिया में या वासा डिफरेंस में ठीक है जो अगेन एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर है आगे बढ़ते हैं यहां देखिए अब आप देखिए यहां पर ये देखिए ये जो है सेमिनिफेरस फेरेस्ट्यूब्यूल का ही मैंने आपको बताया है ठीक है ना और ये पूरा स्ट्रक्चर एक्चुअल में ये क्या है ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस यहाँ पर दिखा रखा है लेकिन थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर बता दिया ये ठीक है कि किस तरह से जो है क्यों सेल्स भी हैं सर्टोली सेल्स भी हैं ठीक है साथ में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड फिर उनसे बनता है स्पर्मेटेड और फिर उनसे बनता है स्पर्मेटो जो स्पम्प को स्पर्मेटो जोआ बोलते हैं ठीक है ध्यान रखें ना एनिमल्स केस में ठीक है ना तो ये बात समझ में आ गई आपको ठीक है और ये देखिए सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड होता है इनका हेड कुछ टाइम के लिए जब तक ये मैच्योरिटी हासिल कर लेते हैं मैच्योर होने के बाद फिर ये जब इनसे रिलीज होते हैं तो उस प्रोसेस को स्पर्मिनेशन बोलते हैं लेटर ऑन विल टॉक अबाउट दिस ठीक है ओके अब इस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं एक बार ठीक है अब यहां पर जो है अगर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाना आ जाए तो आप ये स्ट्रक्चर इजिली बना देंगे कैसे बनाएंगे कहाँ से शुरू करेंगे देखिए यहां से शुरू करेंगे सबसे पहले आप बनाएंगे स्क्रोटम सबसे पहले आप दोनों तरफ क्या बनाएंगे स्क्रोटम स्क्रोटम में आप दिखाएंगे टेस्टीज ठीक है टेस्ट के बाहर आप ये दिखाएंगे एपिड़ादेमिस. एपिड़ादेमिस वासा ठीक है ये समाइनल वेसिकल के पीछे से वासा फ्रेंशिया निकलता है और यहाँ तक ये आ जाता है ये जो थोड़ा सा स्वेल्ड रीजन है ये एम्प्यूला है और यहाँ पर जो ये निकल रहा है ये पेयड समाइनल वेसिकल है जो कि एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड है ठीक है इधर भी है और ये दोनों तरफ है मैंने एक तरफ बनाया आप दोनों तरफ बनाएंगे ठीक है यहाँ आ गया यहां तक आ गया ऊपर ये यूरेनरी ब्लैडर है ये यूरिनरी ब्लैडर है और यूरिनरी ब्लैडर जो यूरिथ्रा तो यूरिथ्रा और जब ये आपका वासरा वासा डिफ्रेंशिया मिलेंगे ठीक है अब जो ये डक्ट बनेगी अब जो ये तो इसको हम बोलेंगे यूरिनो डक्ट ठीक है और इसी यूरिथ्रा वाले रीजन के यहाँ पर आपको एक चेस्ट नट शेप्ड ग्लैंड बनानी जो कि आपकी जो है प्रोस्टेट ग्लैंड तो यूरिथ्रा प्रोस्टेट ग्लैंड यूरिन जेनेटल डॉ तक की बात हो गई है ठीक है पूरी डक्ट की बात हो गई है यहाँ पर आकर ये स्ट्रक्चर ये बाहर वाला जो एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है ये हो जाएगा पैनिस जो कि एक्सटर्नल जेनेटेलिया है ठीक है स्वेल्ड जो रीजन है वो हो जाएगा थोड़ा सा जो कोनिकल स्वेल्ड रीजन होता है अनलार्ज जो रीजन होता है वो क्या होता है ग्लैंड पैनिस बाहर की जो स्किन होती है इसको हम फोर स्किन या प्रिप्यूस बोलते हैं और यहाँ पर जो ये ओपनिंग है लाइक ओपनिंग दैट इज यूरिनो जेनेटल ओपनिंग यूरोनाटल ओपनिंग देखिए क्योंकि यूरिन भी यहीं से आ रहा है और स्पम के लिए भी यही है ठीक है तो एक ही है दोनों का यूरोनो जेनाटल डक्ट भी इसलिए बोला था और यूरिनो जेनेटल ओपनिंग भी इसलिए बोल रहा है ठीक है एक जो चीज यहाँ पर रह गई है यहाँ पर वासा डिफरेंसिया को जो है क्या कहा जाएगा इजैकुल इजैकुलटरी डक्ट क्योंकि इजैकुलेट करने के डक्ट है ना ये स्पम सीम को इजैकुलेट करने के डक्ट है यहां पर है ठीक है और यहाँ पर दो ये पेयर्ड ग्लैंड अगेन जिनको हम बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड ये क्या सीक्रेट करती है म्यूकस इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे ठीक है तो ये सारा स्ट्रक्चर आपको आए मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा यहाँ आप देख सकते हैं ये वही सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई हुई हैं ठीक है ना वो देखिए दो दो मैंने इसलिए बनाया ताकि ये इनसे आपको थोड़ा समझ में जल्दी ईजीले आ जाता है कलरफुल से थोड़ा अच्छा लगता है समझने में और उनसे जो है आप डायग्राम बना सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर भी आप वही सब चीज़ें देख सकते हैं देखिए पीछे से यूरिटर आ रहा है ठीक है ना यूरिटर आ रहा है और यहाँ पर ये समाइनल वेसिकल बेहड द ब्लैडर इस ब्लैडर के पीछे यहाँ पर आप लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा अगेन ये क्या है आपका ये समाइनल वेसिकल दिख रहे हैं ठीक है ये आपकी वासा डिफरेंशिया है ये देखिए यहाँ पर ये समाइनल वेसिकल के यहाँ से ठीक है तो इस तरह से ये और ये आपके प्रोस्टेट ग्लैंड ठीक है और ये यूरिनोजेनेटल डक्ट है और यहाँ पर ये यूरिथ्रा था ठीक है और फिर यहाँ पर ये पेनिस दिख गया होगा और यहाँ पर ये स्वेल्ड रीजन है इसको हम ग्लैंड पेनिस बोलते हैं स्किन को फोर स्किन स्क्रोटम और स्क्रोटम में क्या है इसके ये जो है येलो वाले टेस्टिकल्स ठीक है या टेस्टीज और यहाँ पर वास्टा डिफरेंसिया वास ये जैकुलर डक्ट अंदर यूरिन जेनेटल डक्ट ठीक है ये तो ये जो डक्ट आप देख रहे हैं ना देखिए पेनिस के अंदर यहाँ पर साफ दिखाया हुआ पेनिस के अंदर ये डक्ट है ये देखिए ये पाइप जो हो पेनिस जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया उसके अंदर ये डक्ट है और यहाँ पर ये ओपनिंग हो जाएगी इसकी जिसको हम बोलेंगे यूरिनो जेनेटल दैट इज स्लिट लाइफ ओपनिंग आगे बात करते हैं ग्लैंड्स के बारे में देखिए ग्लैंड्स के बारे में क्या बात करनी है ग्लैंड्स के बारे में ये बात करनी है कि जो ग्लैंड्स हैं वो कौन कौन सी है सबसे पहले जो ग्लैंड है वो है समैनल वेसिकल समैनल वेसिकल जो ग्लैंड है पेयर्ड है बिल्कुल है स्मॉल है पाँच सेंटीमीटर लॉन्ग है सिर्फ मस्कुलर है यानी कि मसल से बनी हुई है और सेक्युलर है ठीक है सिक्रेशन अपना जो सिक्रेशन है वो वासा डिफरेंस है नाम के इस डक्ट में ये पोर कर देती है क्या होता है इनमें सबसे बार प्रोस्टाग्लैंड होते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं स्पम को एक्टिवेट करने का काम उनको मोबाइल बनाने का काम और उनको वायबल बनाने का काम वायबिलिटी मैंने पोलिंग के केस में बताई थी ना क्या कि मतलब कैपेबिलिटी एबिलिटी टू फर्टिलाइज वो वायबिलिटी होती है ठीक है फिर फ्रक्टोज भी सीक्रेट करते हैं ताकि स्पम जो एक सेल है उसको एनर्जी मिलती रहे अमाइनो एसिड्स बात करेंगे इसके बारे में एंटी फर्टिलाइजिंग टाइप के कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि अपना रोल प्ले करते हैं और कुछ एंजाइम्स ठीक है तो ये समाइनलिकल की बात होगी स्ट्रक्चर आपने देख लिया अगेन प्रोस्टेट ग्लैंड जो वहाँ पर यूरिथ्रा के पास थी चेस्टनट चेस्टनट शेप ग्लैंड ये है लार्ज है साइज में बड़ी है और सिंगल है अपना सीक्रीशन जो है वो ये पोर करते यूरिथ्रा में पहले दिखा चुका हूँ सिट्रिक एसिड और जिंक ताकि जो है स्टेबलाइज कर सके जो है डीएनए को ठीक है जो जो का जो का डीएनए है और साथ में मोर्टलिटी को भी बढ़ाने का काम ये करते हैं कोपर्स ग्लैंड अगेन ये भी पेड ग्लैंड है आपको दिखाया म्यूकस से करते ताकि लुब्रिकेट किया जा सके है ना और यूरिन से भी प्रोटेक्ट किया जा सके ठीक है ना और साथ में न्यूट्रलाइज किया जा सके वेजाइना की एसिडिटी को ठीक है ना तो ये जो है म्यूकस का काम है और म्यूकस सीक्रेट किया जाता है कोपस ग्लैंड के द्वारा सीमन क्या है सीमन जब इन तीनों ग्लैंड का सीक्रेशन तीनों ग्लैंड का सीक्रेशन स्पम के साथ मिल जाता है ठीक है ना तो क्या कहलाता है सीमन कहलाता है क्या कहलाता है सीमन कहलाता है ठीक है और ये जो सीमन है इसमें जो स्पम होता है वो सिर्फ टेन परसेंट होता है बाकी नाइनटी परसेंट इन ग्लैंड का सीक्रेशन होता है जो अलग अलग रोल प्ले कर रहा है

है ना ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है और साथ में इरेक्टाइल ठीक है ना इरेक्टाइल वेस्कुलर इरेक्टाइल और ब्लड वेसल्स के कारण यानी कि ब्लड इनमें है इस वजह से इरेक्शन में ये मदद करते हैं ठीक है पेनिस की जो इरेक्शन है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टू टिश्यूज ठीक है और यहाँ पर यूरिन और जेनेटेड डकतिकारक है तो पेनिस जो है वो मेल इक्शन जेनेटेलिया है स्पेशलाइज टिश्यू से बना होता है जो कि इरेक्शन और फैसिलिटेट करता है इंसेमिनेशन को जब इरेक्शन होगा तभी इंसेमिनेशन हो पाएगा ना तो ये है एंड लास्ट जो पार्ट है दैट इज ग्लैंड पेनिस और लूज फोल्ड ऑफ स्किन से जो है ये कवर्ड होता है दैट इज फोर स्किन ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ यहाँ भी आप देख सकते हैं ये देखिए यहाँ पर ये पेनिस है और पेनिस के अंदर जो व्हाइट वाला जो स्ट्रक्चर है ये यूरिनो जेनेटल डक्ट है ठीक है और यहाँ आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें और ये जो है यहाँ पर आपको कॉरपोर कॉर्पोरा कैवरनोसा और कॉरपोसर कॉर्पस पॉन्जियोसम यूरिथ्रा ये सब स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखा है यूरिनो और जेनेट्रल डट ठीक है प्रोस्टेट ग्लैंड ठीक है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये दोनों आपको क्या है कोरपोरा कैवरनोसा और ये क्या है ये यहाँ पर जो है जो है क्या है कॉरपस स्पोंजियोसम यूरिथ्रा ठीक है ना और ये स्किन एल्बुजीनिया ठीक है बाकी ये आपको देखने की इतनी ज़रूरत है नहीं ये वाली जो दो चीज़ें हैं ठीक है और ये जो स्वेल्ड पार्ट है पेनिस का ग्लैंस पेनिस और ये यूरो जेनेट्रल ओपनिंग और ये जो स्किन है ऊपर ये आपकी फोर स्किन ठीक है तो इतनी बात मेरे हिसाब से सारी बात समझ में आ गई होगी अच्छे से मैंने डायग्राम से यहाँ से आप बना सकते हैं और यहाँ से आप समझ सकते हैं चीज़ों को ठीक है तो आज के लेक्चर में इतना ही आई थिंक काफ़ी लंबी वीडियो हो गई होगी और प्लीज़ रेफर योर एन और इसके बाद जो हम बात करेंगे वो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू थैंक यू वेरी मच